को काफी मजा आने वाला है पूरी वीडियो में, और बताने वाले कि कैसे आप कम से कम कीमत में या कम से कम सैलरी में आप अपनी थार को घर पर ला सकते हैं। बस आपको ऑर्डर थोड़ा पहले देना पड़ेगा क्योंकि भाई बुकिंग में लगी पड़ी है, मैंने बता चुका हूँ महिंद्रा वालों की। तो एक अच्छा सा वेरियंट सिलेक्ट करेंगे भाई, मेरे हिसाब से जो मॉडिफाई का शौकीन रखता है तो उसे तो भाई सबसे पहला वेरियंट ही निकलवा लेना चाहिए। और भाई डीजल में या पेट्रोल में वो आपके ऊपर बात है, पर मैं तो पेट्रोल में ही कहूँगा क्योंकि भाई मैं तो यहाँ पर NCR में बैठा हूँ। तो NCR में आपको पता ही है कि राजस्थान के और हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के कुछ और दिल्ली तो भाई पूरी ही है, तो कुछ राज्य उनके NCR में शामिल कर दिया गया है जहाँ पर डीजल की गाड़ी 10 साल चलती है। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ पर पेट्रोल में एक अच्छा सा मॉडल सिलेक्ट कर लेंगे भाई। जिसे मॉडिफिकेशन करवानी है और जिसे ना भी करवानी है वो सेकंड टॉप मॉडल ले ले मेरे हिसाब से। तो ये जो सा है ना LX4 Start हार्ड टॉप, ये भाई अच्छा है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो यही ठीक रहेगा। और थार के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि आप थार के बारे में जानते हो, काफ़ी तगड़ी है, क्लासिक है यार, मज़ेदार बना दिया महिंद्रा वालों ने। और भाई क्या ही बात करी जाए लुक की। तो भाई कलर की बात करें तो मेरे हिसाब से तो भाई मुझे ब्लैक अच्छा लगता है इसमें, जो नेपोलियन ब्लैक करके कलर आता है ना, हाँ नेपोलियन ब्लैक करके जो कलर आ रहा है, काफ़ी तगड़ा लगता है। आप जो चाहे वो ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और भाई कमेंट आ रहे थे कि क्या हम 40,000 में थार ले सकते हैं। भाई मैंने कहा ले सकते हो यार, तुम्हारे माल है। तो भाई चलते हैं भाई थोड़ी सी वेरियंट्स पर चलते हैं। ठीक है, पेट्रोल में और हार्ड टॉप यही वाला 17 लाख का पड़ेगा, करीबन 17 लाख ही है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, 17 लाख तो आपको खर्च करने पड़ेंगे। और चलते हैं भाई ओवरव्यू में और देखते हैं भाई EMI का क्या सेटअप बिठाते हैं इसका। और कम से भी कम भाई आपको जो इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा इसमें वो भाई 9 से 11 के बीच में रहेगा, जो कि मैं जानता हूँ काफ़ी ज़्यादा है, पर कोई दिक्कत की बात नहीं है, थोड़ा तो भाई कंपनी वाले लूटेंगे, इंश्योरेंस वाले भाई लूट से ही है। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पर अपना मॉडल कहाँ को है भाई, वो जो सिलेक्ट करा था हमने हार्ड टॉप, ये रहा भाई सेकंड और ये रहा। और भाई यहाँ पर इसकी जो किस्त बता रहा है वो डाउन पेमेंट बता रहा है 1.5 लाख रुपये, लगभग 1.5 लाख रुपये। और EMI जो बता रहा है भाई वो 27,000, मतलब 27,626 रुपये की मंथली बता रहा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर हमें ऐसा सेटअप बिठाएं जो ठीक रहे। और भाई ये काफ़ी ज़्यादा मंथ है, बस 5 साल के लिए यार, 5 साल के लिए तो काफ़ी, हाँ 12×5=60, तो भाई 5 साल के लिए तो काफ़ी मतलब हिसाब बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कम करेंगे पीरियड को, और भाई 5 लाख मेरे हिसाब से ठीक रहेगा। 5 लाख डाउन पेमेंट यार कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, 5 लाख या फिर 4 लाख पर भी एक बार कर देखेंगे, पहले 5 लाख कर देख लेते हैं भाई, काफ़ी फिर आपको जो इंटरेस्ट है ना वो काफ़ी कम देना पड़ेगा। फिर 5 लाख इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, और भाई जो पीरियड है उसको हम कम कर लेते हैं क्योंकि भाई 5 साल बहुत बैठता है, इसको 3 साल कर लेते हैं पीरियड को, और यही मेरे हिसाब से बेस्ट रहेगा। तो फिलहाल इंटरेस्ट रेट तो भाई इतना ही रहेगा। ठीक है, इंटरेस्ट रेट की हम कुछ बात नहीं करते, वो 36 मंथ कर लेते हैं। और भाई देखो भाई 30,000 आपको महीने की पड़ेगी एक किस्त, और जिसमें आपको केवल लगभग 1.5 लाख रुपये इंटरेस्ट के देने पड़ेंगे, मतलब ज़्यादा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं नीचे टोटल लोन अमाउंट और पेबल अमाउंट। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं है मेरे हिसाब से 1.5 लाख रुपये, और यही मुझे सबसे बेस्ट लगा है, इंटरेस्ट रेट भी इसमें ठीक है। और 11 करेंगे तो भाई देखो भाई कोई दिक्कत की बात नहीं है, और ये 36 मंथ ही रहने देते उसको, और देखो भाई अगर 11 करेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं, लगभग आपको 1.70 के आसपास देना पड़ जाएगा, पर कोई दिक्कत की बात नहीं, थार लेना है तो करना पड़ेगा। तो भाई इसको 4 लाख कर देखते हैं एक बार कीमत को, डाउन पेमेंट को। ठीक है, और भाई 4 लाख करने के बाद 36,000, और इंटरेस्ट रेट इसका भाई 10.5 ही कर देते हैं। और भाई अब देखो भाई, ये अगर आपको ये वाला EMI पैकेज पसंद आ रहा है तो भाई ये वाला देख लो भाई। वैसे तो मेरे हिसाब से 5 लाख वाला भाई मुझे सबसे बेस्ट लगा, क्योंकि उसमें केवल 1.5 लाख रुपये ही फालतू जा रहे हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो भाई वही ठीक है, पर जिसके पास डाउन पेमेंट के सबर नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, वो 4 लाख रुपये भी देकर कर सकता है। ठीक है, और अगर मैं वेयरनेस की बात करूँ, अगर मतलब बता रहा था ना, तो भाई कंपेयर कर देख लेते भाई, कुछ फ़र्क नहीं आएगा भाई, सिर्फ डैशबोर्ड वगैरह में फ़र्क दे देते हैं। और इसी हिसाब से मैं सेकंड टॉप मॉडल लेने के लिए कहता हूँ। ठीक है, तो सबसे ख़राब वाला भी मत लो, उससे सेकंड वाला ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो भाई सारी चीज़ें सेम मिलेगी आपको, बस इंटीरियर में और एक्सटीरियर में थोड़ा बहुत ठीक है, टाइमिंग वगैरह इसमें ही थोड़ा बहुत मिलेगा, और सेफ्टी फीचर्स में भी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ हो सकता है, और अदरवाइज कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जल्दी से लाइक मार दो भाई, और सब्सक्राइब मार दो चैनल को, और मेरे हिसाब से देखो भाई थोड़ा सा, हाँ जो लैंप वगैरह है, हेडलाइट वगैरह, उसमें थोड़ा सा LED वगैरह में थोड़ा चेंज कर देंगे, म्यूजिक सिस्टम में आपकी चेंज कर देंगे, स्पीकर्स में चेंज कर देंगे आपके थोड़ा, इसीलिए से मैंने कहा कि भाई सेकंड टॉप मॉडल ले लो, जिसको लगे कि हाँ भाई उसने थार लिया, पर ऐसा भी ना लगे कि हाँ भाई डब्बा ही पकड़ा दिया कंपनी वालों ने। खैर महिंद्रा वाले खेल पूरे रहे हैं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। ये देखो भाई इस चीज़ की बात कर रहा था भाई, ये क्या क्या दे रखा है भाई, ये सब चीज़ बढ़ गई है इसमें, आप देख सकते हो महिंद्रा LX Start Hard Fork Top में, ये मतलब समझ ही सकते हो। ठीक है, तो 4x4 में आपको ये थार मिलेगी, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, तो टेंशन मत लेने का भाई कि 4x4 में मिलेगी या नहीं, 4x4 में ही मिलेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो भाई ठीक है, मेरे हिसाब से अगर आपको 5 लाख वाला
पसंद नहीं आता है तो आप उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं भाई, 4 लाख कर सकते हैं, 3 लाख भी कर सकते हैं, पर आपको उसी हिसाब से इंटरेस्ट रेट ज़्यादा देना पड़ेगा। जो कि भाई मैं तो इंटरेस्ट, मतलब भाई मेरे तो हिसाब से तो भाई जो भी 1.5 लाख भी फालतू में गड्ढे में जा रहे हैं, इसलिए मैंने 5 लाख का पैकेज बताया है। और आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कर सकते हो भाई, पर मुझे अच्छा नहीं लगता है कि 1.5 लाख रुपये किसी भी हाल में इंटरेस्ट के हिसाब, मतलब भाई एक तरीके से भाई गड्ढे में ही डालना है, ठीक है। तो जितना आप पीरियड करोगे लॉन्ग, मतलब जितना आप लंबे समय के लिए लोगे, जितनी कम अमाउंट आप पे करोगे उतना ही आपको ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा भाई। तो आपकी मर्ज़ी है, आप देख सकते हो। और भाई सभी में देखो भाई, एयरबैग्स वगैरह तो सभी में मिलते हैं, और बैग का सिस्टम पता नहीं क्या दे रखा भाई। और भाई तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं, आप सब्सक्राइब मार दो, जल्दी से लाइक मार दो वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपकी थार आपके पास आ सकती है, चाहे आप 30,000 रुपये महीना भी कमा रहे हो भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप ला सकते हो।